Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and I am presenting you one more time on the largest YouTube platform for UPSC Civil Service Preparation. My lectures on History and NCERT. Namaskar dosto, mera naam Pratik Nayak hai. Aap sabka swagat hai Unacademy Studio Rise ke channel ke upar, jo UPSC Civil Services Preparation ko leke India ki sabse largest platform available hai aaj ki tarikh mein. मैं और मेरे टीम मेंबर्स अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक्स है वो आपके साथ हर रोज हाजिर कर रहे हैं और उसी के ही कंटिन्यूएशन में मेरी जो एनसीईआरटी की सीरीज है उसी को ही हम लोग आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं. तो हम लोग फिर से आज देखेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. मेरे टीम मेंबर्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स आदि इत्यादि जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उन्हीं का ही हम लोग कंटिन्यूएशन आज के क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं. और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जो हिस्ट्री के एनसीईआरटी के जो सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स है उसको कैसे डील किया जा सकता है. मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको बहुत सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पढ़ाने की कोशिश की थी, उसी को ही हम लोग आज के सेशन के अंदर देखेंगे. जो जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म न्यूली, मैं उनका स्वागत करता हूँ. आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एंड इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्टैंडर्ड 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5. एंड विद इन दिस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 वी वर डिस्कसिंग ऑन द बिल्डिंग्स एंड द आर्किटेक्चर आस्पेक्ट. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आर्किटेक्चर आस्पेक्ट ऑफ द मिडिवल इंडिया एंड द अर्ली मिडिवल इंडिया, जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ना शुरू कर दिया था. जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी अभी नए नए जुड़े हुए हैं, जिनको हमारे बारे में उतना नॉलेज नहीं है, दोज़ हु आर नॉट अवेयर अबाउट अस, उनको मैं बोल देता हूँ थोड़ा बहुत कि हम कैसे डील कर रहे हैं. हमने एनसीईआरटी के टॉपिक को पहले ही शुरू कर दिया था और जिनको मेरे बारे में उतना कुछ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा. मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ. आई बीन टीचिंग एंड आई गाइडेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूज टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल. ये सब कुछ चीज़ें मेरे बारे में थी. मैं अनअकैडमी स्टूडियो राइज के ऊपर तो आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ. और प्लस के ऊपर, अनअकैडमी प्लस के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा रहा हूँ, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है. और 80 आवर्स के मेरे सेशन अभी वहाँ पर चल रहे हैं. तो आप सोच सकते हो कि खाली मॉडर्न हिस्ट्री को मैं 80 घंटा पढ़ा रहा हूँ. ये टॉपिक शुरू हो गया है अक्टूबर 2019 में और ये नवंबर 2019 तक अभी भी चलने वाला है. सो इट इज़ अ 2 मंथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. 40 सेशंस टोटल है ऑफ 2 आवर्स ईच. एंड जिन स्टूडेंट्स जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है हिस्ट्री समझने में, हिस्ट्री को वो है ना डिटेल में पढ़ने के अंदर, तो मैं उनको वेलकम करूंगा कि आप प्लस के कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो मेरे. आई विल मेक श्योर दैट यू विल नॉट गॉट डिसअपॉइंटेड. आपको डेफिनेटली इसका एडवांटेज मिलेगा अगर आपने प्लस का कोर्स ज्वाइन किया. प्लस के ऊपर आपको फ़ायदा यही मिलने वाला है कि मेरे अलावा आपको और भी एजुकेटर्स मिल जाएंगे. तो यू विल फाइंड मल्टीपल एजुकेटर्स अदर देन मी और आप इन सब के क्लासेस का एक्सेस ले पाओगे. आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एजुकेटर्स का क्लासेस का एक्सेस ले पाओगे. और जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है ऐसा नहीं कि खाली मेरा कोर्स ही आपको देखने को मिलेगा. यू विल बी एबल टू सी ऑल द लेक्चर्स, यू विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम ऑल द टीचर्स. जिनका भी कोर्स आपको पसंद है उनका आप देख सकते हो, ठीक है. तो ऑल सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट का आप देख सकते हो. प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी कैसे करनी है वो सब आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिलेगा. तो आई सजेस्ट कि आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर अगर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो तो आई वेलकम यू ऑल. आप जुड़ सकते हो. यहाँ पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मैं कहूँगा मिनिमम लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरा कोर्स ही देखोगे तो मेरा कोर्स मिनिमम 2 से 3 महीने तो खाली मॉडर्न हिस्ट्री चलता है. फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग देखते हैं, एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, तो भी 6 से 8 महीना तो वहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है. अदर देन दैट आपको और भी एजुकेटर्स के मिलेंगे. तो आई सजेस्ट कि आप 1 ईयर का लीजिए. 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन में आपको एडवांटेज यही होगा कि आपने कोड यूज़ किया PN Live और आपने यहाँ पे 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में इसको यूज़ किया तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, समझे आप लोग. तो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है मेरे कोड को यूज़ करने के बाद. तो यही आपके लिए एडवांटेजेस है 1 ईयर की फीस के अंदर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो. तो आई सजेस्ट कि आप मिनिमम 1 ईयर का लीजिए, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज भी करना है, आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी जो कंपेरेटिवली दूसरे आप ऑफलाइन मॉड्यूल्स के अंदर देखोगे तो उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है.
जो जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज के अंदर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को तैयारी कर सकते हैं, अरे डेफिनेटली कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में हो, अभी आप ट्वेल्थ के लिए अपीयर किया हो और आप सोच रहे हो कि आपका गोल यूपीएससी है, तो वाई टू वेट फॉर दी टाइम, ओके आप अभी से ही शुरू कर दो, फाउंडेशन अच्छे से कीजिए, 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स को देखिए, और वो फायदेकारक इसके लिए होगा क्योंकि वहाँ पे भी आपने कोड यूज़ किया पीएन लाइव, तो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ऐसे तो फिर 64,000 का है, द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन फीस इज 64,000, बट इफ यू यूज माई कोड पी एन लाइव द फीस विल कम टू 57,600, ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप डिसाइड कीजिएगा कि कैसे करना है, ऐप स्टोर के ऊपर जाइए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इन दोनों जो पेज है वहाँ पे आप जाओगे, यूपीएससी सीएसई को गोल के रूप में आपको चूज करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है, पी एन लाइव मेरा कोड है, मेरा कोड यूज़ कीजिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरा कोड, तो आपके लिए एडवांटेजेस है, आपको ये पी एन लाइव अगर आपने रेफरल कोड यूज़ किया, इफ़ यू यूज़ दिस रेफरल कोड पी एन लाइव, तो इट विल गेट यू 10% डिस्काउंट, ठीक है, तो आपके 2 पैसे बच जाएंगे यार, थोड़ा बहुत बुक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए ये एडवांटेजेस रहेगा। खैर, हमने पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी को पढ़ा था, 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है कमेंट्स के अंदर कि सर हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका है, ये एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका है, और मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि इतना डिटेल में आपको कोई एनसीईआरटी नहीं करा पाएगा, खाली 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में करा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स इन एनसीईआरटी, और ये एनसीईआरटी के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एंड अंडर दिस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि ये पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे आगे चलती है, उसी को ही कंटिन्यूएशन आज चैप्टर नंबर 5 के अंदर करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो है वो आर्ट एंड कल्चर का और आर्किटेक्चर का टॉपिक है, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 को हमने शुरू कर दिया था, मिडिवल इंडिया को जब हम लोग पढ़ते हैं तो मिडिवल इंडिया का जो आर्किटेक्चर है उसको हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जो आर्किटेक्चर के टॉपिक्स है उसको जब हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ने की कोशिश की थी तो उसमें हमने यही देखा था कि किस तरह से 750 से लेके 1000 एंड 1200 तक का जो पीरियड है, जो अर्ली मिडिवल भी कहते हैं, इस दौरान आपके टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई थी। ये टेंपल आर्किटेक्चर इवन द राजपूत किंगडम्स के दौरान भी चालू ही रहता है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता दिया था, और उसके बाद हमने पढ़ने की कोशिश करी थी कि 1200 से लेके 1526 तक का जो पीरियड है, उस समय आपका दिल्ली सल्तनत हुआ करता था, और जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की खासियत यह है कि इस दौरान भी, ड्यूरिंग दिस पीरियड भी, यू विल सी मल्टीपल आर्किटेक्चर टेकिंग प्लेस। अर्ली मिडिवल इंडिया में जो टेंपल आर्किटेक्चर था, वो टेंपल आर्किटेक्चर के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये अटैक करने वाले जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उसमें गजनी जैसे लोग भी मिलेंगे, और इंक्लूडिंग आपको राजेंद्र की स्टोरी भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताई थी, किंग राजेंद्र बिलोंगिंग टू द चोला एम्पायर, जिसने बहुत सारे लूटफाट मचाई थी साउथ इंडिया के अंदर ही, हमने पढ़ा हुआ था बेटा, मैं अज्यूम करता हूँ कि हमने पढ़ा हुआ था, और मैं ये भी अज्यूम करता हूँ कि आपको वो चीज़ याद है, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस को देखे आइए, क्योंकि मैं इंटररिलेटेड हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री को कभी वैक्यूम में तोड़ के नहीं पढ़ा सकते, हम लोग हिस्ट्री को जब भी पढ़ना है, जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसको डायरेक्टली पिन पॉइंट करके हम लोग है ना नहीं पढ़ सकते, हमको कनेक्शन ऑफ द डॉट्स पता होने चाहिए, कनेक्शन ऑफ द डॉट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, गेटिंग अ पॉइंट, तो कहते हैं कि ये जो राजपूत आर्किटेक्चर था, जो अर्ली मिडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर था, उस दौरान टेंपल आर्किटेक्चर बहुत हुआ, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और उसके बाद आर्किटेक्चर बदल गया, दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 से लेकर 1707 और उसके भी बाद जो मुगल एम्पायर है उनका आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है, तो आज का क्लास है हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के आर्किटेक्चर को। अब आर्किटेक्चर की जब हम लोग आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो जो अर्ली मिडिवल इंडिया में आर्किटेक्चर था वो अर्ली मिडिवल आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी कि उसमें आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप देखे गए तो एग्जाम्पल के रूप में टेंपल्स बहुत बने थे, और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि 2 टेंपल्स हमने पढ़े थे, एक टेंपल हमने पढ़ा था वो कौन सा था,
अगर आपको याद होगा तो वो था आपका दी राजा राजेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल। एंड राजा राजेश्वर टेम्पल के साथ साथ जो दूसरा टेम्पल हमने पढ़ने की कोशिश की थी प्रीवियस क्लास के अंदर, वो था कंडरिया महादेव टेम्पल। याद आया कि नहीं आया आपको? और ये दोनों के दोनों टेम्पल के बीच में खासियत ये थी कि ये आपका विमान या द्रविड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल था, और जो कंडरिया महादेव टेम्पल है दैट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द नगर आर्किटेक्चर। इन दोनों प्रकार के आर्किटेक्चर को भी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था, अर्ली मिडिवल इंडिया में दूसरे आर्किटेक्चर की खासियत थी जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेबियट आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेबियट आर्किटेक्चर। ये ट्रेबियट आर्किटेक्चर की खासियत ये थी कि आपके बीम्स और कॉलम्स के साथ आपका जो रूफ है उसको बीम्स एंड कॉलम्स के साथ जोड़ के बनाया जाता है, जो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता दिया था। उसके साथ साथ जब हम लोग मिडिवल इंडिया के ऊपर चलते हैं तो मिडिवल इंडिया में आपकी डिज़ाइन चेंज हो जाती है, इंक्लूडिंग आपकी टेक्निकल चीज़ें भी चेंज हो जाती है, और साथों साथ अगर आप देखोगे पर्पज़ ऑफ आर्किटेक्चर भी बदल जाएगा। पर्पज़ क्यों बदल जाएगा? क्योंकि राजा जो है अब अलग अलग पर्सपेक्टिव से बनाएगा। डिज़ाइन के अंदर जब बात करते हैं तो मिडिवल इंडिया के अंदर आपको आर्क्यूएट आर्किटेक्चर मिलेगा। ये आर्क्यूएट आर्किटेक्चर क्या है तो वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो आर्क्यूएट आर्किटेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के आर्क्स बनते हैं, और आपके खिड़की दरवाजे जो भी होंगे उन सब के ऊपर इस प्रकार के आर्क बनेंगे। याद आया आपको? ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। टेक्निक्स में फ़र्क ये होता है कि अर्ली मिडिवल इंडिया में आपका कौन सा आर्किटेक्चर था, तो मैंने आपको बताया था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था, जो रॉक कट आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल था। यहाँ पे जब हम लोग टेक्निक्स की बात करेंगे तो आपको स्टोन और ब्रिक दोनों का यूज़ मिलेगा, और स्टोन और ब्रिक के साथ साथ मैंने आपको बताया था सीमेंट का भी काफ़ी यूज़ होना शुरू हो गया एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। मैंने आपको सीमेंट आर्किटेक्चर और सीमेंट और कॉन्क्रीट का बताया था। पर्पज़ बदल जाता है। अर्ली मिडिवल इंडिया में जो आपका आर्किटेक्चर था उसकी खासियत क्या थी कि वो टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप में ज़्यादा था। यहाँ पे आपको फोर्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको टॉम्स मिलेंगे, टॉम्स का मतलब क्या है? मकबरा। यहाँ पे आपको मॉस्क मिलेंगी, इंक्लूडिंग यू विल ऑल्सो फाइंड द यूज ऑफ मीनार्स एंड यू विल ऑल्सो फाइंड द यूज ऑफ गार्डन्स इन द आर्किटेक्चर। क्या होता है बेटा? गार्डन का यूज होना भी शुरू हो गया। समझे आप लोग? तो मिडिवल आर्किटेक्चर की एक जनरल टेंडेंसी आपको मिलेगी, जहाँ पे अर्ली मिडिवल जो एंशियंट आर्किटेक्चर से जो ट्रांजिशन में होता है उनके समय में हमको इतना एक तो फंडामेंटल चेंज देखने को मिलता है। पहले ये चेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर। जब हम लोग ये चेंज की बात करते हैं तो चेंज के अंतर्गत आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे आपके आर्किटेक्चर की स्टाइल चेंज होती है। तो इन द प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस्ड अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल्स एंड द कंस्ट्रक्शन। वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ द टेम्पल्स वर बिल्ट, और टेम्पल्स के अंदर किस तरह से टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता था। हमने कंपेरेटिव एनालिसिस भी किया था। उसके बाद हम लोग आज के क्लास के अंदर देखेंगे कि मॉस्क और टैंक को क्यों बनाया जाता था, एंड इंक्लूडिंग आपके जो आर्किटेक्चर है मिडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर है, खास करके किसका? दिल्ली सल्तनत और मुगल्स का आर्किटेक्चर है। वहाँ पे लोकल इन्फ्लुएंस कितना है? लोकल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जब राजा अपनी मॉन्यूमेंट्स बनाता था वहाँ पे इंडिया का जो लोकल आर्किटेक्चर है वो कैसे इंपैक्ट करेगा। समझे आप लोग? तो इनके आर्किटेक्चर के ऊपर भी लोकल आर्किटेक्चर होगा। और लोकल इन्फ्लुएंस खास करके अगर आप देखोगे तो बंगाल से आपको मिलेगा। दूसरा आर्किटेक्चर आपको विजयनगर का मिलेगा, जो साउथ इंडिया के अंदर डेवलप हो रहा था। विजयनगर आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है उतना डिटेल के अंदर, इसके लिए मैं नहीं जा रहा हूँ पॉलिटिकल हिस्ट्री में, बट इन दोनों जो लोकल आर्किटेक्चर था उन दोनों का प्रभाव आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट हमने पढ़ने की कोशिश की थी। आज का हमारा जो सेशन है वहाँ पे हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के दौरान जो आर्किटेक्चर डेवलप हो उसको पढ़ेंगे। ये दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के समय में जो आर्किटेक्चर बनता है इसे हम लोग इंडो इस्लामिक आर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंडो इस्लामिक आर्ट इसके लिए कहते हैं क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा डिज़ाइन था वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस भी था वहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी था। इस्लामिक इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जो मस्जिद बनती है वो सब की सब इस्लामिक आर्किटेक्चर के रूप में बनेगी। समझे आप लोग? तो ये आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे आर्किटेक्चर बना।
बाकी आर्किटेक्चर की जो स्टाइल है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बता दिया है, फोर्ट्स, टॉम्ब्स, टेम्पल, पैलेसीज कैसे बनते हैं, ये स्लाइड्स को मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बता दिया था, डिस्कस कर लिया था कि कैसे ट्रेबियट आर्किटेक्चर बना, कैसे आर्क्यूएट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर बना, कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर बना, ये टेम्पल साउथ और नॉर्थ के बीच में क्या अंतर था। हमने वहां तक पढ़ने की कोशिश की थी कि जो नगर और द्रविड़ आर्किटेक्चर के बीच में फर्क कैसे आता है, इंक्लूडिंग राजा क्यों टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते थे, गजनी और राजेंद्र के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा था। और उसके बाद हमने प्रीवियस क्लास के अंदर चेंज इन स्टाइल, डिजाइन एंड मटेरियल को भी पढ़ने की कोशिश की थी कि कैसे डिजाइन बदल गया, स्टाइल बदल गया और मटेरियल बदल गया। मैंने आपको बताया कि एंशिएंट इंडिया में आर्चेस का कम यूज हुआ, यहाँ आर्चेस का ज्यादा यूज होना शुरू हो गया। इंक्लूडिंग मैंने आपको वहां तक बताया कि आपके जो अलग अलग पत्थर को जोड़ के बनाया जाता था लाइमस्टोन, जिसे हम लोग सीमेंट के रूप में कहते हैं, और सीमेंट के साथ जब इनफैक्ट स्टोन चिप्स को ऐड कर दिया गया तो रिजल्टिंग इनटू कंक्रीट, जब कंक्रीट बनता है आपका, ठीक है, इन सब मिडिवल इंडिया की आपको खासियत मिलेगी। मैंने आपको वहां तक बताया था कि ये आर्च दो प्रकार के होते हैं, कुछ कुछ आर्च को हम लोग ट्रू आर्च कहते हैं, और ट्रू आर्च में जो बीच का पत्थर होता है उसे कीस्टोन कहते हैं, और दूसरा आर्च जो है उसे कॉर्बेल्ड आर्च कहते हैं। इनिशियली कॉर्बेल्ड आर्च बना, फिर ट्रू आर्च बनता है, मैंने आपको वहां तक पढ़ाने की कोशिश की थी। अब देखिए मिडिवल इंडिया की खासियत क्या है। मिडिवल इंडिया में आपको जो आर्किटेक्चर बना वो आर्किटेक्चर को मैं डायनेस्टी बाय डायनेस्टी पढ़ाऊंगा। डायनेस्टी बाय डायनेस्टी का मतलब क्या है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सी डायनेस्टीज ने आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन किया, फिर मुगल्स ने आर्किटेक्चर में किसने कंट्रीब्यूट किया, इंक्लूडिंग इनके बीच में जो डिजाइन आस्पेक्ट है, इनके बीच में जो डिजाइन आस्पेक्ट है उसको भी आज के क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही, बट मैं आपको अच्छी तरह से कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कराने की कोशिश करूंगा। अब जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आर्किटेक्चर के रूप में क्या क्या बनता है, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक तो मॉस्क काफी बनेंगे। मॉस्क के साथ साथ राजा को मीनार बनाने का भी बहुत शौक था, तो राजा बहुत सारे मीनार्स बनाएगा, टावर्स बनाएगा। मीनार का मतलब क्या है? टावर। यू विल ऑल्सो फाइंड वाटर बॉडीज के भी बनाने की इन लोगों को थोड़ा बहुत चस्का रहता है। वाटर बॉडीज का मतलब क्या है कि छोटे छोटे तालाब, या मैं कह सकता हूँ टैंक्स, या मैं कह सकता हूँ पौंड, जो राजा बनाने की कोशिश करेगा। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत के अंदर आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। एनसीईआरटी के अंदर जब हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं और उसको जब एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, अगर आपको याद होगा, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वो कौन सी डायनेस्टी थी बेटा, याद करो, वो थी स्लेव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी बेटा? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक पावर के ऊपर रहती है, या उसके भी पहले मैं कहूँगा 1194 ऑनवर्ड से ही कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद घोरी का गुलाम के रूप में लाहौर वाले रीजन में स्थायी होगा, उसके बाद दिल्ली की तरफ आएगा, तो उसके दौरान आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। और कहते हैं कि कुतुब मीनार की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। किसने किया था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को 1199 में बनाया। अब कुतुब मीनार एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुतुब मीनार की जो पैटर्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है कि कुतुब मीनार की जो बालकनी है, वहां पे उसके नीचे अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे आर्चीज मिलेंगे। इफ यू कैन सी ओवर हियर ये आर्चीज है आपके अलग अलग प्रकार के, अगर आप देख पा रहे हो तो, मन की आंखों से देखोगे तो आपको दिखेगा। और ये जो आर्चीज है जो कुतुब मीनार के अंडर में बनाए गए हैं, मतलब उसके जो हम लोग क्या कह सकते हैं, डिजाइन के अंडर में बनाए गए हैं। मैं आपको थोड़ा येलो कलर की पेंसिल से दिखाता हूँ आपकी मार्किंग से, तो आपको समझ में आएगा। ये जितने भी आर्चीज हैं उसके नीचे आगे पीछे कुछ कहानी की है, और ये कहानी के द्वारा बेस्ड ऑन दैट स्टोरीज वी फाइंड नंबर एंड नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर दी बालकनी इन द फॉर्म ऑफ दी आर्चिस। तो यहाँ पे कहीं पे कुतुब मीनार का जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमको जानकारी देता है कि ये कुतुब मीनार की जो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हुई। तो यू विल सी यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिला है जो हार्डन सरफेस के ऊपर है उसमें अरेबिक लैंग्वेज यूज की गई है। आपको पूछ सकता है कि कुतुब मीनार के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन सी लैंग्वेज में हुआ था। तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ज्यादातर आपकी पर्शियन लैंग्वेज यूज हुई थी, पर कुतुब मीनार के अंदर हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको अरेबिक लैंग्वेज का यूज करके ये इंस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश की गई है।
अब ये इंस्क्रिप्शन की खासियत क्या है कि इफ यू कैन सी द कुतुब मीनार डिजाइन, तो आपको zigzag zigzag दिखेगा। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो जो चीज मैंने हाईलाइट की है, यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे गए हैं और ये अक्षर, ये हैंडराइटिंग आपके अरेबिक लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं, ये भी कुतुब मीनार के द्वारा हमको पता चलता है। अब देखिए कि आर्क बनने शुरू हुए, मॉन्यूमेंट्स आपके मीनार के रूप में बनने शुरू हुए। मीनार का मतलब क्या है कि आपके टावर लाइक मॉन्यूमेंट्स बनते हैं। और ये चीज हमको दर्शाता है कि टेक्नोलॉजिकली जो मिडिवल इंडिया के शासक थे, द किंग्स बिलोंगिंग टू मिडिवल इंडिया वर ऑल्सो अवेयर अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मॉन्यूमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये कुतुब मीनार को इस तरह से बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था गंगाईकोंडा चोलापुरम के बारे में, या मैंने आपको बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में भी बताया था, जो स्लोप के ऊपर रख के, बोल्डर को रख के आपका पत्थर का पूरा आर्किटेक्चर बनता है, वैसा ही कुतुब मीनार का भी एक खुद का ही इंपॉर्टेंस है। और इसी के कारण आज से 800-900 साल पहले उस टाइम पे ये चीजें बनाने के लिए यू नीड टू हैव स्किल्ड क्राफ्टमैन। क्या चाहिए? स्किल्ड क्राफ्टमैन। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन्स कि ये कुतुब मीनार जैसे जो बिल्डिंग है उसका बहुत ही सिग्निफिकेंस था। अब प्रश्न आता है, एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है कि व्हाट हैव बीन द इंपैक्ट ऑफ बिल्डिंग लाइक कुतुब मीनार ऑन द ऑब्जर्वर्स इन 13th सेंचुरी। जो जो लोग दिल्ली की तरफ आए होंगे और जो बाहर से आए हैं भारत के अंदर, उनको कुतुब मीनार देखने के बाद कैसा अनुभव होता होगा? उनको लगता होगा शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वैसा होता होगा कि नहीं होता होगा? दे यूज्ड टू फील दैट, अरे बाप रे, इतना बड़ा, इतना मतलब है ना, माँ कसम बहुत खर्चा किया होगा राजा ने। गेटिंग माय पॉइंट? तो यू कैन इमेजिन कि इतना बड़ा एक मॉन्यूमेंट है वो कैसे बनता होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो आर्किटेक्चर है उसकी अंदर आपकी लैंग्वेजेस क्या यूज हुई। पहली पॉइंट, इंस्क्रिप्शन के रूप में, जैसे हमने एंशियंट इंडिया के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ने की कोशिश की थी कि राजा जो है वो मंदिरों के ऊपर अपना नाम चिपकाने की कोशिश करेगा। एंड इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दैट पॉइंट दैट हाउ एंड व्हाई द किंग यूज्ड टू इंस्क्राइब हिज नेम। हाँ, राजा कैसे इंस्क्रिप्शन के अंदर अपना नाम चिपकाने की कोशिश करता है। अब प्रश्न ये आया कि एंशियंट इंडिया के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर बना, एंशियंट इंडिया के अंदर जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी जो टेम्पल आर्किटेक्चर बनता है, जैसे एंशियंट इंडिया के अंदर, ये अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर बना, अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर बना, ये टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर राजा टेम्पल्स का जो नेम है, वहां पे राजा अपने आप को भगवान के रूप में कहलाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको किंग राजेंद्र के बारे में बताया था या राजा राजेश्वर के बारे में बताया था, वो कहता है कि द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉड राजेश्वरम, द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉड राजेश्वरम, और मैं राजा हूं पर मैं राजा के साथ साथ भगवान का प्रतिनिधि भी हूं। मिडिवल इंडिया के अंदर भी जब हम लोग देखेंगे, कि जितने ज्यादातर मुस्लिम सुल्तान आए और बादशाह आए, बादशाह का मतलब क्या है, बादशाह, याद रखेगा, वो लोग जनरली अपने आप को भगवान के साथ नहीं गिनते थे, वो लोग नहीं कहते थे कि सर हम लोग भगवान हैं। बट डेफिनेटली एनसीईआरटी हमको ये बताती है कि सुल्तान अपने आप को शेडो ऑफ गॉड कहता था। सुल्तान क्या कहता था? अपने आप को शेडो ऑफ गॉड कहता था। शेडो ऑफ गॉड का मतलब क्या है कि मैं खुदा का साया हूं। अब ये खुदा का साया कहने वाला जो राजा था, वो स्लेव डायनेस्टी से एक राजा हुआ करता था। हमने स्लेव डायनेस्टी में चार राजा के बारे में बताया था, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा तो। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर आपको याद होगा तो हमने रजिया के बारे में पढ़ा था, रजिया के बाद हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, और इल्तुतमिश के बाद हमने जब पढ़ा था तो चौथा हमने जो राजा पढ़ा था वो था बलबन। जब हम लोग स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे, तो बलबन एक ऐसा राजा था जो कहता है आई एम द शेडो ऑफ गॉड। क्या कहता है बेटा? शेडो ऑफ गॉड। एनसीईआरटी में डायरेक्टली नाम नहीं दिया है उसका, बट मेरा मानना यह है कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि इंस्क्रिप्शन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जहां पे एक राजा अपने आप को खुदा का साया कहता है। वो कहता है कि मैं खुदा का साया हूं, सबको मेरा सजदा करना पड़ेगा, सजदा करूं मैं तेरा, सजदा तो उसे नयन भरू, करूं मैं तेरा सजदा करना पड़ेगा। बलबन कहता है कि मैं खुदा का साया हूं। बलबन के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस, कि जो स्लेव डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी मिडिवल इंडिया में आती है वो कौन सी आती है बेटा, याद करो। चलो बेटा, तो वो थी खिलजी डायनेस्टी, हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर, याद आया कि नहीं आया? मिडिवल इंडिया में द सेकंड डायनेस्टी दैट कम्स टू पवन, दैट वाज द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के अंदर हमने पढ़ने की कोशिश की थी
दो ही राजा आते हैं, अगर आपको याद होगा खिलजी डायनेस्टी 1219 से लेकर 1320 के बीच में रहेगी, और इसमें जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का आर्किटेक्चर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी गई है, लिखा है कि एन इंस्क्रिप्शन इन द दिल्ली मॉस्क एक्सप्लेन दैट गॉड चोज अलाउद्दीन खिलजी एज अ किंग। गॉड चोज अलाउद्दीन खिलजी एज अ किंग मतलब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को राजा के तौर के ऊपर एस्टैब्लिश कराने के लिए वो मस्जिद के ऊपर ये चीज लिखवाता है, कि भगवान ने अलाउद्दीन खिलजी को राजा के रूप में चूज किया है। अब ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे की कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि उसने बहुत बड़ा एक्सपांशन किया था अपने एम्पायर का, और जब अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा एक्सपांशन करता है एम्पायर का, तो एक चीज बहुत क्लियर कट रहती है कि उसके सामने विरोध करने वाले लोग भी होंगे, उसके सामने रिवोल्ट करने वाले लोग भी होंगे। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने वो है ना, उस टाइम पे कंटिन्यूसली रिवोल्ट चालू ही रहे थे। हमने पढ़ा भी था मंगोल इन्वेजन होता है, गुजरात राजस्थान वो सब रीजन के ऊपर जब वो फाइट करेगा तो कॉन्स्टेंटली है ना लड़ाई तो चालू ही थी। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जब फाइट हो रही है खिलजी के सामने, तो खिलजी अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, वो मस्जिद बनाएगा। अब कौन सी मस्जिद बनाते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ा था वो आपको। वो मस्जिद बनाएगा, मस्जिद बनाने के बाद उसके ऊपर लिखता है कि भगवान ने मुझे राजा के रूप में बिठाया है, एंड द किंग हैड द क्वालिटी ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। अगर आपको पता होगा तो मूसा और सुलेमान क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इन दोनों के अंदर पैगंबर के रूप में आए हैं, मतलब दे आर द मैसेंजर्स हु आर सेंट बाय द गॉड। तो कहते हैं कि जैसे इसाक है, इसाक से जीसस आया, मोसेस से मूसा आया, सुलेमान से सोलोमन आया, ये सब सिमिलैरिटी है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में। दे आर दोनों नोन एज द मैसेंजर्स, और उनके पास उनको उनके लिए कहा जाता है कि भगवान ने उनको भेजा था। तो देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी अलाउद्दीन खिलजी वॉन्टेड टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ कि भाई मैं तो मोसेस और सुलेमान जैसा हूँ, मैं तो मूसा और सुलेमान जैसा हूँ। और इसके कारण यू विल सी अलाउद्दीन खिलजी ये कहता है, इंक्लूडिंग वो मॉस्क के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हमको पता चलती है। खिलजी कहता है कि दैट द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर इन द आर्किटेक्चर वॉज द गॉड हिमसेल्फ, मतलब जो हमको कानून देता है और जो स्थापत्य बनाता है वो भगवान खुद है। और उसके साथ साथ ये कहता है कि ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ क्योस एंड इंट्रोड्यूस द ऑर्डर एंड सिमेट्री, मतलब जब समाज के अंदर क्योस अराजकता हो गई थी, बहुत सारी है ना दंगा फसाद हो गया था, इसके लिए उन्होंने सिमेट्री के रूप में ये इनफैक्ट दुनिया की सर्जन की है। अब देखें ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। द वर्ड सिमेट्री अगर आप देखोगे तो हम कहते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल इन नेचर, दिस ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल इन डिजाइन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मिडिवल आर्किटेक्चर, जैसे अभी मैं आपको थियरी थोड़ी देर के बाद दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के ऊपर पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि जब हम लोग ये सिमेट्री नाम के शब्द का यूज करते हैं तो दैट शोज द परफेक्शन। वो क्या दर्शाया जाता है, दैट शोज द आइडिया ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब ये होता है कि राजा इनफैक्ट हर एक चीज परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। आपने ताजमहल को देखा है, हैव यू सीन ताजमहल? ताजमहल को आप चारों डायरेक्शन से देखेगा तो यू विल फाइंड सिमिलर। ताजमहल आप इधर से देखो यू सी फ्रॉम ऑल द साइड्स, ताजमहल आपको सेम लगेगा। क्यों सेम है, क्योंकि सिमेट्री है। इस्लाम के अंदर भी ये सोचा जाता है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स बता रहा हूँ इस्लामिक आर्किटेक्चर के। ये सोचा जाता है कि एवरीथिंग शुड बी सिमेट्रिकल, क्योंकि भगवान ने चीजें सिमेट्री बनाई थी। तो भगवान ने जब दुनिया को सिमेट्री के रूप में, गॉड ने, अल्लाह ने हर एक चीज को परफेक्ट सिमेट्री के रूप में बनाया है, तो आर्किटेक्चर में भी वो सिमेट्री आएगी, आर्किटेक्चर के अंदर भी सिमेट्री आएगी। एंड यू विल सी कि जैसे नई नई डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है, जैसे नई नई डायनेस्टी पावर के ऊपर आएगी, तो राजा जो है वो अपने आप को एक मॉरली एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, और मॉरल एस्टैब्लिशमेंट राजा की तभी हो पाएगी जब वो रिलीजन का सहारा लेगा। और रिलीजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, और इसके कारण जितने भी राजा होंगे दे विल बी कंस्ट्रक्टिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप। मिडिवल इंडिया में, इवन एंशियंट इंडिया में भी यही हुआ। राजेंद्र ने बनाया कि नहीं बनाया, राजा ने बनाया कि नहीं बनाया,
पुलकेशिन ने बनाया कि नहीं बनाया। महाबलीपुरम के अंदर आपके जो नरसिम्हन जो था किंग, उसने बनाया कि नहीं बनाया, सब बनाएंगे। क्योंकि उनका मानना यह था कि हमने जब ये टेम्पल्स बनाए, हमने जब मॉस्क बनाए, हमने जब मकबरे बनाए, तो उससे हमारे भगवान के साथ रिलेशनशिप बहुत क्लोज होंगे। और उस समय पे बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, एक के बाद एक डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है, और इसके कारण राजा अपने आप को भगवान के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेगा। और राजा जब अपने आप भगवान के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेगा, साथों साथ वो मस्जिद आर्किटेक्चर के भी बनाएगा। समझे आप लोग? तो ये चीज़ पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉस्क आर्किटेक्चर को क्यों बढ़ावा दिया गया, वाई नॉट सम अदर आर्किटेक्चर इन द मिडिवल एरा। मिडिवल एरा में मॉस्क का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके पीछे का कारण ही मैं आपको बता रहा हूँ। समझे आया आपको? पहले पॉइंट अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो प्रश्न आता है कि बहुत सारे मस्जिद बने, बहुत सारे फोर्ट्स बने, बहुत सारे पैलेसेस बने। अब कौन बनाता था? हु वॉज द वन हु यूज टू मेक दिस फोर्ट्स बिल्डिंग एंड पैलेसेस? गेटिंग माय पॉइंट? तो हमको जानकारी मिलती है कि राजा जो था ऐसे कारीगरों को पैट्रोनेज दिया करता था। द किंग यूज टू गिव पैट्रोनेज, पॉलिटिकल पैट्रोनेज टू द लर्नेड पर्संस हु वर हैविंग सम काइंड ऑफ नॉलेज। और वो राजा उनको कहता था कि आप हमारे लिए कुछ बनाओ, आप हमारे लिए कुछ डिजाइन करो। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजंस यू विल सी कि राजा बहुत सारे लोगों को जब अपने यहाँ पे आश्रय देता है, तो राजा की जो सिटी थी, राजा का बनाया हुआ जो नगर है, या मिडिवल इंडिया में जो पॉपुलेशन जहाँ पे बस्ती है, जिसे हम लोग कहते हैं आबाद, वो आबाद हो जाता है। गुलशन आबाद होना, गुलशन आबाद होना, गुलशन का मतलब क्या है? गार्डन। आबाद का मतलब समझ में आता है आपको? जहाँ पे फ्लरिश होता है। आबाद का मतलब क्या है? फ्लरिश होना। तो क्या हुआ, राजा ने जब आर्किटेक्ट्स को आश्रय दिया, राजा ने जब पेंटर्स को आश्रय दिया, व्हेन द किंग गेव पेट्रोनेट टू द पेंटर्स, द किंग गेव पेट्रोनेट टू द पॉलिटिकल पर्संस, द किंग गेव पेट्रोनेट टू द आर्किटेक्ट्स एंड मेनी अदर पीपल, दिस विल रिजल्ट इन टू अ कंडीशन वेर यू विल सी कि ऐसे ऐसे लोग राजा के वहां पे आए, और सब लोग राजा को कहते थे कि देखो राजा हमारा न्याय का देवता है, राजा यहाँ पे वो है ना कि कोई ना कोई चीज सबको देता है। और उसके कारण अगर आप देखोगे कि एक चीज की मान्यता थी मिडल एजेस के अंदर, पीपल यूज टू बिलीव दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विथहोल्ड द रेन। मतलब क्या है कि राजा इतना वो है ना कि ढंडा इंसान है, उसके पास उतना पैसा है, एंड दिस इज द रीजन कि राजा इनफैक्ट इतनी चीजें अपने आप को पोट्रो कराने की कोशिश करेगा कि बारिश भी थक जाएगी, मतलब वो बारिश कंटिन्यूसली होती ही रहेगी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन के आर्किटेक्चर के अंदर राजा ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग बनाएगा, राजा ऐसे लोगों को पैट्रोनेज देगा जो उसके लिए डिजाइन कर पाए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन द दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर स्टार्टेड इन दिस वे। तो दिल्ली सल्तनत में पहले मॉस्क बनी, याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत के फीचर्स में क्या बनी बेटा, तो पहले मॉस्क बनती है, इंक्लूडिंग मीनार बनेगी, और साथों साथ आपको वाटर बॉडीज मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज कहाँ पे मिलती है याद रखिएगा, तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिनके आजू बाजू में वाटर बॉडीज मिलेगी। अब ये क्यों है? तो मिडिवल इंडिया में ऐसा कहा जाता था कि आप पानी जो है उसको अगर आप स्टोर करते हो, तो पानी उस टाइम पे प्रीशियस कमोडिटी था, नदी तो बहती थी, नदी तो बहती थी नो डाउट, बट पानी के साथ रह के अगर आपने कोई सिटी बनाया है, तो उसके कारण आपकी पॉपुलेशन को भी डिपेंडेंसी पानी के ऊपर रहेगी, आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, आपका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, आपकी बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई होगी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन इन द मिडिवल एरा यू विल सी कि दोज़ किंग्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द टैंक्स, टैंक्स का मतलब वो तोप नहीं, दोज़ किंग्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द टैंक्स एंड रिजर्वर्स, उनको प्रेस किया जाता था। प्रेस करने का मतलब क्या है कि लोग उनका वो है ना स्वागत करते थे, लोग उनको कहते थे कि ना भाई बढ़िया काम कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके समय में याद रखेगा कि एक तो उसने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया, ये कुतुब मीनार को बनाने वाला इंसान कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में बनाया जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे ये तीसरा हो गया, सॉरी ये
इल्तुतमिश सेकंड आता है, इल्तुतमिश सेकंड आती है, रजिया थर्ड आती है, ठीक है, सॉरी माय बैड, हाँ इल्तुतमिश सेकंड किंग है। इल्तुतमिश जो दूसरा राजा के रूप में आया, इल्तुतमिश जो दूसरे राजा के रूप में आया, उसने बहुत सारी वाटर बॉडीज बनाई और टैंक्स बनाई। टैंक्स का मतलब है पानी को बनाया, और पानी की जो जलाशय थे, पानी के जो जलाशय थे उसने बहुत सारे, इनफैक्ट अगर आप देखोगे रिजर्वायर बनाए आउटसाइड द दिल्ली और दिल्ली के आजू बाजू वाले रीजन में। इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि उसने दिल्ली के अंदर कैपिटल को शिफ्ट किया था, और यहाँ पे हमको जानकारी मिलता है कि इल्तुतमिश ने एक जगह बनाई है जिसे हम लोग कहते हैं हौज ए सुल्तानी, हौज ए सुल्तानी या किंग्स रिजर्वायर। इफ यू कैन सी ओवर हियर हौज ए सुल्तानी, तो हौज ए सुल्तानी आपको यहाँ पे मिल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इंक्लूडिंग आपको दिल्ली के अंदर एक जगह मिलती है हौज खास, हौज खास अगर आपको जानकारी होगी तो आज की तारीख में दिल्ली में काफी सारे लोग वहां पे वो पब एंड ये जो पार्टी कल्चर है, थोड़े बहुत कैफेज है वहां पे आपको मिल जाते हैं हौज खास, आपको वहां पे एक वाटर बॉडी भी मिलेगी। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम की है, अगर आप दिल्ली में रह रहे होगे तो आपको पता होगा। इसके कारण जब हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर के रूप में राजा अलग अलग प्रकार के, इनफैक्ट छोटे और बड़े रिजर्वर्स बनाएगा। रिजर्वर्स बनाने से फायदा ये होता था कि पानी मिल जाता था, पानी मिलता था तो पॉपुलेशन आपकी फ्लरिश होगी, पानी मिलता था तो पॉपुलेशन आपकी फ्लरिश होगी। और इसी के कारण यू विल सी द पर्शियन टर्म आबाद वॉज यूज, दिख रहा है आपको, आबाद का मतलब है पॉपुलेटेड प्रॉस्परस एंड आबादी का मतलब होता है फ्लरिशिंग, आर बोथ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अब। अब का मतलब क्या है बेटा, वॉटर। आपको पूछ सकता है कि वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड अब, तो यू शुड नो कि द वर्ड अब मीन्स द वर्ड वॉटर। समझ में आ रहा है आपको। दिल्ली सल्तनत की आर्किटेक्चर की खासियत ही ये थी कि जब राजाओं ने वाटर बॉडीज बनाए तो लोग रहने शुरू किए, उसके आजू बाजू में राजा ने क्या बनाया, तो राजा ने फिर फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। तो इन दिल्ली सल्तनत पीरियड ओनली मैनी डायनेस्टीज विल बी मेकिंग द फोर्ट्स। तो एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर वो आपको पहले पता होने चाहिए, उसके बाद उसके नेचर किस किस लोगों ने क्या बनाया तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे और कौन सी डायनेस्टी ने क्या बनाया है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज हम लोग मेनली दिल्ली सल्तनत के ऊपर ही रहेंगे क्योंकि दिल्ली सल्तनत के ऊपर से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा शक्यता है। तो आपको ये दो वाटर बॉडीज याद रहेगा, एक तो आपका हौज ए सुल्तानी, किसने बनाया था, हौज ए सुल्तानी वॉज मेड बाय अ किंग कॉल्ड एज इल्तुतमिश, याद रखिएगा। उसके बाद हौज खास आता है, कौन बनाता है हौज खास, हु मेक्स द हौज खास, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइएगा, पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाटर बॉडीज कहाँ पे बनती थी, तो इन द मिडिवल एरा यू सी कि राजा को ये वाटर बॉडीज बनाने का बहुत शौक था। एट टाइम्स आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी वाटर बॉडीज बने जाते थे। जैसे यू विल सी कि टैंक्स एंड रिजर्वर्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन द टेंपल, मतलब मंदिर के अंदर भी आपको बनेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो आपको मॉस्क के अंदर भी मिलेगा, और अगर आपने दिल्ली के अंदर जमी मस्जिद को देखा होगा तो वहां पे भी आपको एक छोटा सा कुंड मिलेगा पानी का। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ मिडिवल इंडिया आपका भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन हो गया था। एंड इफ यू आर अवेयर द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट जो इस दौरान उभर के आता है, द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट जो दिल्ली सल्तनत के समय पे उभर के आता है, ये चैप्टर नंबर 8 है आपके सिलेबस का, उसको अच्छे से हम लोग करेंगे। ये भक्ति और सूफी मूवमेंट जब उभर के आया, व्हेन द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट गॉट डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपके सिखिज्म की भी ओरिजिन हुई, और सिखिज्म में गुरु नानक जी, इनफैक्ट उनके बाद जो भी गुरु आए, गुरु का द्वार, गुरुद्वारा, वहां पे जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स बने हैं वहां पे भी आपको वाटर बॉडीज मिलेंगे, समझे आप लोग। अब खासियत यह है कि राजा ये सब टेंपल्स, ये सब वाटर बॉडीज को बनाता था, और उसके कारण ये वाटर बॉडीज वाला जो आर्किटेक्चर है उसका बहुत सिग्निफिकेंस पड़ेगा। तो एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर वी विल फाइंड द यूज ऑफ वाटर बॉडीज, विल ऑल्सो फाइंड द यूज ऑफ द मीनार्स, विल फाइंड द यूज ऑफ वॉट, विल फाइंड द यूज ऑफ द इंस्क्रिप्शन इन अरेबिक, एंड विल ऑल्सो फाइंड द मॉस्क आर्किटेक्चर, ठीक है।
तो अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उसमें पांच डायनेस्टीज को हमने पढ़ा था। और दिल्ली के सुल्तान्स के अंदर जब हम लोग बहते हैं तो पहली स्लेव डायनेस्टी, स्लेव के बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद बेटा तीसरी डायनेस्टी कौन सी थी याद करो, तो वो थी तुगलक डायनेस्टी, याद आया आपको। और तुगलक के बाद अगर आप देखोगे तो चौथी थी सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद पांचवी डायनेस्टी कौन सी थी बेटा, वो थी लोधी डायनेस्टी। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये पांचों के पांचों डायनेस्टी का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने पढ़ लिया था, आज उसका आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे। आज दिल्ली सल्तनत को मेनली फोकस करेंगे, मुगल्स को होगा ऐसा होगा तो हम लोग एक और इसके ऊपर थोड़ा बहुत आधा एक घंटा हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली के सुल्तान ने मॉस्क बनाने की शुरुआत की। ये मॉस्क आर्किटेक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत के अलग अलग शहरों में ये मॉस्क आर्किटेक्चर बनता है। और ये मॉस्क क्यों बनाया जाता है, तो राजा कहते थे कि हम लोग इस्लाम धर्म के प्रोटेक्टर हैं, हम लोग पूरे देश के मुसलमानों के प्रोटेक्टर हैं, और इसके लिए हम लोग को ये मॉस्क बनाना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बनाया कि मॉस्क का सिग्निफिकेंस यही था कि राजा अपने आप को वो है ना कि खुदा का शैडो भी कहता था कि मैं शैडो ऑफ द गॉड हूँ, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के केस में मैंने आपको बताया, बलबन के केस के अंदर बताया, वैसी चीज़ मिलेगी। दूसरा क्या था कि मॉस्क वहाँ पे बनाया जाता था जहाँ पे बहुत सारे लोग आके इकट्ठे होते थे, एंड मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टू स्टे। उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे आपके एक रिलीजियस गैदरिंग भी हो जाएगी, और इसके साथ साथ यू विल सी कि इंडिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी अलग अलग वैरायटी से बिलोंग करती है, अलग अलग एरिया से बिलोंग करती है, अलग अलग रीजन से बिलोंग करती है, उन सब के अंदर भी बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, एक है ना प्लूरलिस्टिक कल्चर है, उसमें थोड़ी बहुत यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो बिकॉज ऑफ द मॉस्क आर्किटेक्चर इन इंडिया, वी कैन से दैट The mosque architecture will result into a condition. बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर मॉस्क आर्किटेक्चर बना। अब कौन से राजाओं ने कौन से मॉस्क बनाया उसको पहले पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि मॉस्क की डिजाइन क्या थी और कैसे बनाया जाता था। तो मॉस्क अगर आप देखोगे तो अरेबिक लैंग्वेज के अंदर मस्जिद कहते हैं, याद रखेगा ये हिंदी वर्ड नहीं है, आपको पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए। और कहा जाता है कि बहुत सारी मॉस्क ऐसी हुआ करती थी जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, वो मॉस्क को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क को जमा मस्जिद या जमी मस्जिद कहते हैं। और फ्राइडे टू फ्राइडे जो प्रेयर होते हैं, नमाज जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, और वो नमाज को पढ़ाने वाले जो इंसान होंगे उन्हें हम लोग इमाम साहब कहते हैं, और वो एक मैसेज डिलीवर करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं खुतबा। दिख रहा है आपको? तो आपको पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय खुतबा, What do you mean by नमाज, आपको अलग अलग पॉइंट आ सकते हैं। और कहते हैं कि ये मॉस्क का डिजाइन ऐसा था कि जितने भी मुस्लिम वो मॉस्क के अंदर जाके जब नमाज पढ़ते थे तो उनको मक्का की तरफ फेसिंग अपना वो चेहरा रखता था। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो मक्का का लोकेशन कहाँ पे है, तो इट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखेगा तो मक्का कहाँ पे आया है, मक्का इज समवेयर ओवर हियर, गेटिंग अ पॉइंट। तो इफ मक्का इज समवेयर ओवर हियर, अरेबियन सी के अंदर है, मक्का यहाँ पे आया है, दिस इज मक्का ओवर हियर, तो यहाँ पे कोई भी मॉस्क बनेगी, इंडिया में कोई भी मॉस्क बनेगी तो वहाँ पे जो इनफैक्ट लोग नमाज पढ़ते थे तो इट विल बी इन द वेस्टर्न फेसिंग एस्पेक्ट। वेस्टर्न फेसिंग इसके लिए क्योंकि मक्का इस साइड है। ये जो टेक्निक है उसे हम लोग किबला कहते हैं। आपको पूछेगा वॉट इज किबला, तो आपको यह पता होना चाहिए कि किबला इज अ टेक्निक वेयर पीपल वर्शिप इन द वेस्टर्न डायरेक्शन। इसके साथ साथ अब कौन से राजा ने कौन सी मॉस्क बनाई, कौन सी डायनेस्टी के राजा ने कौन सी मॉस्क बनाई, उसके ऊपर अब थोड़ा बहुत फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सबसे पहला मॉस्क अगर आप देखने की कोशिश करोगे इंडिया में बन के आया, जिसका नाम था कुवत उल इस्लाम मॉस्क। क्या नाम है बेटा? कुवत उल इस्लाम मॉस्क। और कहते हैं कि ये 12वीं शताब्दी के आसपास बनी थी, मतलब ये है कि 1199 के आसपास की बात है। और कहते हैं कि ये दिल्ली के सुल्तान्स की जब हम लोग बात करते हैं उनके दौरान बनती है। किसने बनाई थी तो मैं बोल देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखेगा कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछता है। यहाँ पे NCERT बताती है कि ये मॉस्क को एक्सपांड करने के लिए इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने फिर मेहनत की,
जो इसके बाद के राजा है इल्तुतमिश, तो उसी की ही डायनेस्टी का था। और मॉस्क के आजू बाजू में जो मीनार बनी है, अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो, तो कहते हैं कि आपकी जो मीनार है, जो कुतुब मीनार के रूप में हम लोग उसको पहचानते हैं, वो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनाया ही, बट उसके बाद और दो राजाओं ने भी बनाई, एक तो थी इल्तुतमिश और दूसरे थे फिरोज शाह तुगलक। बाय द वे, ये मीनार का क्या यूज होता था एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर? तो मीनार, अगर आपको पता होगा, तो अजान का जब आवाज आता था, अजान समझ में आता है आपको? अजान, इनफैक्ट जो मौलवी साहब होते हैं, इमाम साहब होते हैं, उस टाइम पे लाउड स्पीकर नहीं थे, तो जब नमाज का टाइम होता था तो मौलवी जो होते थे, इमाम जो होते थे, वो मीनार की टॉप के ऊपर चढ़ जाया करते थे, और उसके बाद फिर वहां से अजान का वो जो है ना कि बोलने शुरू करते थे। उससे फायदा ये होता था कि आजू बाजू के जो भी लोग हैं वो सुन पाएंगे उसको। एंड कुतुल इस्लाम मॉस्क आपको यहाँ पे ही मिलेगा। अब ये मॉस्क की खासियत क्या है, ये बहुत लंबी कहानी है, बट आपको एक चीज बताता हूं कि विद इन द प्रीमाइसिस ऑफ द कुतुल इस्लाम मॉस्क वी फाइंड द मेहरौली पिलर। मेहरौली पिलर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, अगर आपको याद होगा, तो ये आयरन पिलर है जो गुप्ता एज के समय में बनता है और दिल्ली के अंदर ही था। और ये पिलर की खासियत ये है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी जंग नहीं लगा है, आपका जो आयरन का बना हुआ पिलर है वो अभी तक रस्टिंग नहीं हुआ है, उसके ऊपर है ना जंग रोधक, वो है ना एंटी रस्टिंग, एंटी कोरोजिव टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। समझ में आया आपको पहला पॉइंट मॉस्क आर्किटेक्चर के अंदर? उसके बाद अगर आप देखेगा तो दूसरे मॉस्क की जानकारी हमको कौन देता है? तो एक मॉस्क बनता है जिसका नाम है बेगमपुरी मॉस्क, दिख रहा है आपको? ये बेगमपुरी मॉस्क अगर आप देखोगे तो मोहम्मद बिन तगलक के समय पे बना था। अब तगलक डायनेस्टी कब आई इंडिया के अंदर, या तुगलक डायनेस्टी कब पावर के ऊपर आई? तो तुगलक डायनेस्टी वॉज द थर्ड डायनेस्टी दैट केम टू पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द विच डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी। एंड 1320 से लेके 1414 तक आपकी तुगलक डायनेस्टी थी। ये तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक करके राजा था, पगला राजा था, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जो 1325 से लेके 1350 तक पावर के ऊपर रहेगा। उसने एक मॉस्क बनाई जिसका नाम था बेगमपुरी मॉस्क। और ये बेगमपुरी मॉस्क कहाँ पे बनाई थी, तो हमको एनसीईआरटी बताती है कि उसने एक नया सिटी बनाया जिसका नाम है जहांपना। तो आपको पूछ सकता है कि जहांपना नाम का सिटी किसने बताया? अब एनसीईआरटी के द्वारा ही हमको दो तीन पॉइंट पता चले दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर में, याद रखेगा कि ये जो अलग अलग सिटीज है उसमें अलग अलग वाटर बॉडीज है, जैसे हौज सुल्तानी इसने बनाया आपके इल्तुतमिश के समय पे, कुतुब मीनार आपको ऐबक इल्तुतमिश के समय पे बना, दिल्ली कोना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये तीन चार सिटीज के बारे में बात किया गया है। जैसे जहां पना अगर आप देख पा रहे होगे, तो वो जो सिटी है वो सिटी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, पर उसके अंदर का जो मॉस्क है बेगमपुरी वो भी उसने बनाया। उसी दौर के ऊपर अगर आप देख पा रहे होगे सीरी, अगर आपको दिख रहा है सीरी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया हुआ सिटी है, याद रखेगा सीरी इज अ सिटी विच वॉज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, इंक्लूडिंग फिरोज शाह कोटला जहां पे अभी स्टेडियम आया हुआ है, अरुण जेटली के नाम से अभी चेंज किया ना ग्राउंड क्या, तो वैसा का वैसा ही वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था, जो तुगलक डायनेस्टी का ही एक राजा था, इंक्लूडिंग तुगलकाबाद, दिख रहा है आपको? ये तुगलकाबाद नाम का जो सिटी है ये आपका ग्यासुद्दीन बिन तुगलक ने बनाया था, और ग्यासुद्दीन बिन तुगलक करके जो राजा था वो ये सिटी को बनाएगा, ही विल बी मेकिंग द सिटी। और यहाँ पे भी आपको मस्जिद मिलेगी। एनसीईआरटी में जिन जिन मस्जिदों की बात की गई है और जिन जिन मॉन्यूमेंट्स की बात किया है, खाली मैं उसको ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इसको तो इनसाइड आउट कर दे, आर्किटेक्चर को और डिटेल में किया जा सकता है, क्योंकि मिडिवल आर्किटेक्चर का बहुत वो चेंजेस आता है, बहुत क्वेश्चंस यहां से आते हैं, मटेरियल के ऊपर से क्वेश्चन आता है, डिजाइन के ऊपर से क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि उसने ये बेगमपुरी मॉस्क बनाई थी। आपको कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ देगा, इफ यू कैन सी द डिजाइन ऑफ बेगमपुरी मॉस्क, यहाँ पे भी आपको आर्क शेप डिजाइन मिल रही है, मिल रही है कि नहीं बेटा? तो यू विल सी कंटिन्यूअसली यूज ऑफ द आर्क्यूएट आर्किटेक्चर इन दिस केस। उसके बाद अगर आप देखेगा तो एनसीईआरटी में एक और मॉस्क का एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है मौत की मस्जिद, दिख रहा है कि नहीं देख रहा?
मौत की मस्जिद, या इसे हम लोग मोती मस्जिद भी एट टाइम्स कहते हैं सादी लैंग्वेज के अंदर। ये मोती मस्जिद का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और कहते हैं कि सिकंदर लोदी के समय पे उसके एक मंत्री ने ये डायनेस्टी के रूप में ये दिल्ली के आजू बाजू वाले रीजन में इसको बनाया था। अब सिकंदर लोदी, अगर आपको जानकारी होगी, जो लास्ट लोदी डायनेस्टी था उसका किंग था, और उसके समय में भी हमको बहुत सारी मॉस्क मिलेगी, उसी में से एक मॉस्क है जिसका नाम है मौत की मस्जिद। यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको आर्क्यूएट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल मिलता रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल्ली के अंदर ही आपको एक और मस्जिद की बात किया गया है जिसका नाम है जमाली कमाली की मस्जिद। ये लेट 1520s में बनी थी। उसके बाद जो मॉस्क आर्किटेक्चर होगा वो मुगल्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, और अभी मुगल्स आर्किटेक्चर के ऊपर डायरेक्टली हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मुगल्स के आर्किटेक्चर को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुगल्स तक आते आते जो डायनेस्टी है और जो आपका किंगडम है वो बदल जाता है, और बाय द टाइम ऑफ द मुगल्स जब मुगल्स पावर के ऊपर आए तो आपके आर्किटेक्चर की डिजाइन बदल जाएगी। जैसे कि मुगल्स आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी याद रखिएगा, तो इन द मुगल्स आर्किटेक्चर यू विल सी इंडियन इन्फ्लुएंस इन द आर्किटेक्चर। इंडियन इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि स्थापत्य के अंदर भारतीय स्थापत्य का प्रभाव बढ़ेगा। इंक्लूडिंग इन द मुगल आर्किटेक्चर ओनली यू विल सी द गार्डन आर्किटेक्चर विल बी इंक्रीजिंग। गार्डन आर्किटेक्चर का मतलब क्या है बेटा, कि आपके कि जो मॉन्यूमेंट होगी उसके आजू बाजू में गार्डन बनने शुरू हो जाएंगे, दिल गार्डन गार्डन हो गया वाला। यू विल ऑल्सो फाइंड कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली वी ऑल्सो फाइंड द यूज ऑफ द सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर। सिमेट्री का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि राजा जो है मॉन्यूमेंट को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा, ताजमहल इज अ प्राइम एग्जाम्पल। एंड वी ऑल्सो सी द टोम्ब आर्किटेक्चर जहाँ पे आपकी जो मस्जिद के ऊपर के गुंबज है, जैसे ये मस्जिद है आपकी, ये मस्जिद के ऊपर के जो गुंबज है, जो टोम्ब है, वो इस प्रकार की डिज़ाइन बनेगी। इंक्लूडिंग ये टोम्ब के अंदर आपको डबल डोम आर्किटेक्चर भी मिलेगा। तो जो आपकी मज़ार होती है, मज़ार के ऊपर आपको डोम मिलेंगे और ये डोम आपको बहुत सारे आर्किटेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। और ये डोम का यूज कहाँ पे होता था, इट वॉज यूज इन द टोम्ब। टोम्ब वॉज अ प्लेस वेर अ किंग वॉज बरीड डाउन, और उसको बरी करने के बाद उसके आजू बाजू में एक मॉन्यूमेंट बनाया जाता था। ये मॉन्यूमेंट इनफैक्ट आपके बहुत सारे मॉन्यूमेंट के रूप में बने। मुगल्स के अंदर आपको फोर्ट्स भी मिलेंगे, जैसे अकबर ने फोर्ट्स बनाए, आगरा का फोर्ट बनाया है, शाहजहां ने रेड फोर्ट बनाया है, वो भी आपको मुगल आर्किटेक्चर का प्रभाव के रूप में दिखेगा। तो मुगल आर्किटेक्चर की डिजाइन थोड़ी अलग है दिल्ली सल्तनत से। इसके लिए मैं आपको मुगल आर्किटेक्चर के अंदर आज नहीं लेके जा रहा हूं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर एक थोड़ा ब्रीफ सेशन देखेंगे, एंड देन वी विल बी कंक्लूडिंग विद द टॉपिक्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर एंड इवेंचुअली दिस चैप्टर। आप सोच सकते हो कि एक ही एनसीईआरटी का चैप्टर है, उसको कितना डिटेल के अंदर पढ़ा जा सकता है, और आप अपना खाली दिमाग लगाइए कि एनसीईआरटी को कैसे रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है, आर्किटेक्चर को कैसे डील करना है, वो सब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे खाली आपको स्टूडियो राइस के ऊपर करा रहा हूँ। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को अभी भी हेजिटेशन है, जिन जिन स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है कि सर कैसा होगा, सर कैसे तैयारी होगी, सर आर्ट एंड कल्चर हमको समझ में नहीं आता है, तो ये आर्ट एंड कल्चर का खाली ट्रेलर है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे तो आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट यूपीएससी एनसीईआरटी के बाहर भी पूछता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पूछता है। और हिस्ट्री कैसी है कि उसका समुंदर कैसा है, मतलब वो है ना सिलेबस समुंदर जैसा है, इट इज़ लाइक अ सी, इट इज़ लाइक एन ओशियन। इतना बड़ा ओशियन के अंदर आपको जब अटेम्प्ट करना हो तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई टीचर चाहिए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा गाइडेंस देने वाला बंदा चाहिए, आपको कोई मेंटर चाहिए।
सो दैट यू लिमिट योर स्कोप और उसको इफेक्टिवली करें। और इसी के कारण मैं आपको फिर से कहूँगा कि अगर आपको 1% भी हेजिटेशन है रिगार्डिंग दी अनएकेडमी प्लस, तो निश्चिंत हो जाइए, डोंट फियर कि क्या होगा, डोंट हैव दिस काइंड ऑफ नोशन कि हमारे साथ कोई चीटिंग हो जाएगी, नहीं होगी। आपको जो कमिट कर रहा है, जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ाता है, एजुकेटर, सब अपने अपने रिसोर्सेस, सब अपना अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेयर कर रहा है। एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पर आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि प्रतीक नायक आपको जो पढ़ा रहा है उसमें फालतू बकवास नहीं कर रहा है, कंप्लीट एग्जाम सेंट्रिक रह रहे हैं, साथों साथ आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए इसके लिए लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल उसको अप कर रहा है। और यही खासियत होती है एक मेंटरिंग की, जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मेंटर मिलता है टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वरना आदमी भटक जाता है। यहाँ मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है, मल्टीपल एरियाज में आप तैयारी कर सकते हो, बट यही आपको एडवांटेजेस रहेगा। मुगल्स के अंदर जो राजा लोग आए, मुगल्स के अंदर राजा लोग आए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सब लोग बनाएंगे, कोई गार्डन बनाएगा, कोई टॉम बनाएगा, कोई बड़ा बड़ा फोर्ट बनाएगा। मुगल के आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी, मुगल के आर्किटेक्चर के अंदर राजा किस प्रकार के चेंजेस लाता है, फोर्ट्स की डिजाइन कैसे की जाती थी, फोर्ट्स की डिजाइन कैसे की जाती थी, इन सब के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट के ऊपर कंक्लूड करना चाहूंगा कि जब हम लोग दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर बना हुआ जो आपका कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसको याद रखेगा, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप जो वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स पढ़ते हो ना, देर आर 38 साइट्स एज ऑफ नाउ, तो जितनी भी साइट्स पढ़ते हो उनमें से एक साइट आपकी ये भी है, ये बनाई हुई थी आपकी 12th सेंचुरी के अंदर, बहुत सारे डायनेस्टी के राजाओं ने बनाई हुई है, समझे आपको, इंक्लूडिंग हर मंदिर साहिब इज ऑल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और आपके जो अलग अलग सिटीज हैं, अलग अलग सिटीज है जो बनते हैं उसका अगर आप लोकेशन देखिएगा, जो लोकेशन देखेगा राजाओं ने बनाए, तो कहाँ पे बनाए हैं, नदी के नजदीक में बनाए, दिख रहा है आपको, रिवर यमुना। तो याद रखेगा कि आपके जितने भी फोर्ट्स बनेंगे, जितने भी एरिया के अंदर आपकी पॉपुलेशन बसती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आबाद कहते हैं। आबाद क्यों, क्योंकि द वर्ड अब इज रिलेटेड टू वाटर, उसके आजू बाजू में ही पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा दोस्त, उसके आजू बाजू में ही राजा लोग अपना पूरा जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि साम्राज्य है उसको विस्तरण करेंगे और कंप्लीटली उसको वो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझे आप। जब हम लोग इसकी दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की बात करते हैं और मिडिवल आर्किटेक्चर के अंदर मुगल्स आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जब पढ़ेंगे टॉपिक को, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तो वी विल डू अ कंपेरेटिव एनालिसिस, वी विल डू अ कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बिटवीन द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत विच आर गिवन इन एनसीईआरटी ओनली, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल्स, द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल्स। खाली और खाली एनसीईआरटी के पॉइंट्स को मैं आपको कंपेयर करके समझाने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य और मुगल स्थापत्य के बीच में क्या अंतर है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूपीएससी यहां से ही क्वेश्चन निकालता है, बहुत बार क्वेश्चन उसने पूछा भी हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सो एंड सो आर्किटेक्चर। मुगल्स को आज नहीं करते हैं, आज के सेशन को यहां पे ही कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर से बताइएगा। ऑलरेडी हम लोग मुगल्स को करेंगे तो और आधा एक घंटा निकल जाएगा, काफ़ी लंबा टाइम है, क्योंकि राजा की डिज़ाइन बदल जाती है, आर्किटेक्चर की स्टाइल बदल जाती है, तो उसको हम लोग कल के क्लास के अंदर ही करते हैं। और लोकल इन्फ्लुएंस मुगल आर्किटेक्चर में क्या था उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। और अभी भी जिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा भी डाउट हो रहा है, थोड़ा भी डाउट हो रहा है, 1% का भी डाउट हो रहा है, मैं कहूँगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स के ऊपर आइए, फ्रीडम स्ट्रगल के कोर्स के ऊपर आइए। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप कोई भी स्टूडेंट को पूछ लीजिए, कोई भी स्टूडेंट को पूछ लीजिए कि प्रतीक नायक क्या पढ़ाता है। आई एम अ नो नॉनसेंस टीचर। नो नॉनसेंस टीचर का मतलब समझ में आता होगा आपको, मैं टाइम पास नहीं करता हूँ, मैं आपको जो भी करा रहा हूँ वो कंपेरिजन करके ही करा रहा हूँ। और इसी के कारण मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हिस्ट्री, कल्चर का कोई भी टॉपिक है,
वो स्टूडेंट्स इस तरह से मेमोराइज करते हैं कि उनको आधी रात में से नींद में उठाया ना तो भी उनको याद रहता है कि ये फलाना मॉन्यूमेंट तो ये राजा ने बनाया था, उसकी खासियत ये थी। तो मैं आपसे यही कोशिश विनंती करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू और आई विल वेलकम यू एज वेल साइमल्टेनियसली कि इफ यू आर सिंसियर अबाउट योर करियर चॉइसेस, ज्वाइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। विल मेक श्योर कि मैं और आप दोनों साथ में मिलकर आप में के गोल की तरफ जाए, आपके जो लाइफ के जो टारगेट्स है, गोल्स है, उसको अचीव करने में हम एक 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 टूल के रूप में, एक व्हीकल के रूप में आपका साथ दें। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई अनअकैडमी प्लस कोर्स। यूज कीजिएगा मेरा कोड PNLIVE टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म ऑन द अनअकैडमी स्टूडियो राइज। फीडबैक फॉर्म के अंदर जरूर से हमको बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा फील हो, कैसा लग रहा है और आगे हम लोग क्या इंप्रोवाइज कर सकते हैं इसके अंदर। PDF अपलोड होगी जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो PDF के लिए चिंता मत कीजिएगा। अभी मुगल्स का आर्किटेक्चर बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।